हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये है इसका अस्तर और ये है इसका मेन फैब्रिक। तो ये देखिए, इस तरह से इसका मेन फैब्रिक है। ये है आएगा आपको बाजू पर और ये आएगा आपका आगे पीछे पल्ला में। तो इसको हम कैसे कटिंग करते हैं, तो ये है मेन फैब्रिक को साइड करूँगी, अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका सीना होगा 40 इंची, कमर होगा इसका 35 इंची, आगे का गला होगा 6 इंची, पीछे का गला होगा 10 इंची और इसका बाजू का लंबाई होगा, जो इसमें से कपड़ा निकल जाए जितना बन सकता है उतना बना सकते हैं, 5 इंची से लेके 10 इंची के बीच में। तो यहाँ से इसका सीना 40 इंची है, तो 1/4 हम यहाँ से लेंगे ऐसे करके 10 इंची, 10 इंची हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, 2 इंची हम लेंगे सिलाई मार्जिन, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसका हम लंबाई देखते हैं, तो ये देखिए इसका लंबाई आ रहा है 15.5 इंची, लेकिन हमको इसको 14 इंची पर इसका बाजू का ब्लाउज का लंबाई बनाना है। ब्लाउज का लंबाई 14 इंची, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और ये देखिए यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हम साइड कर देंगे, इसी में हम आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका तीरा लेंगे यहाँ से 5.5 इंच, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसका आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच, यहाँ से 1/4 लेंगे 10 इंची। यहाँ पर भी लगाएंगे 10 इंची, इस निशान को इस निशान से यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। और ये देखिए आगे पीछे का पल्ला हमारा एक साथ कटिंग हो रहा है, तो हम 1 इंची पर यहाँ से गोलाई बनाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे 2.25 इंची का, 2.25 इंची यहाँ निशान लगाएंगे, पीछे का गला हमारा रहेगा 10 इंची पर, यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम 2.25 इंची लिए हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंची, इस निशान को यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। आगे का गला बनाएंगे 6 इंची पर डोरी, तो यहाँ पर बनाएंगे। अब हम यहाँ से इसको हम चाहे तो गोल भी बना सकते हैं या मटका भी बना सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके मटका डिजाइन भी बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। पहले हल्का हल्का उगा लेना है, फिर इसी पर डार्क करके बनाना है, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम बीच का टेकिंग बनाएंगे, यहाँ से 10 इंची यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और यहाँ से हाफ कर देंगे, यहाँ से ऐसे करके निशान लगाएंगे। इस वाले टेकिंग को हम पीछे का टेकिंग का 4 इंची पर उठा देंगे, 1/2 इंची इधर दबाना है, 1/2 इंची इधर दबाना है, 1 इंची पर हमारा पीछे का टेकिंग बनेगा इस तरह से। देखिए पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हम कटिंग कर देंगे। तरह से हम इसको कटिंग भी कर देंगे।
इस तरह से यहाँ से हम इसको खोल देंगे। अभी हम आगे का गला कटिंग करेंगे। आगे में नॉर्मल गोल गला कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आगे पीछे का गला कटिंग हो गया है। इसी को हम इस पर रखेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर में हमारा कटिंग। तो ये देखिए यहाँ से हो गया है। अब इसी से हम आगे पीछे का पल्ला कटिंग करके हटा देंगे। ये देखिए यहाँ से ये हो गया है। इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा दोनों टेकिंग बराबर में लगे। तो ये देखिए दोनों यहाँ पर निशान लग चुका है। इस तरह से ये मटका डिजाइन बनके रेडी होगा। अब इस पार्ट को अलग रखेंगे। इसको हम कैसे टेकिंग बनाते हैं तो इसको हम यहाँ से ऐसे सेट कर देंगे। हाफ इंच हमको यहाँ से ऐसे करके कटिंग करना होगा आगे के पल्ले में। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ से ऐसे करके 10 इंची यहाँ लगाएंगे, नीचे भी 10 इंची। देख सकते हैं यहाँ पर आ जा रहा है। यहाँ से इसको हम साइड कर सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम लेंगे ऐसे करके, देख सकते हैं यहाँ से 11 इंची से 11 इंची यहाँ से लेंगे तीरा से। अगर आप तीरा का यहाँ से आधा इंची छोड़ के लगाते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आधा इंची इतना जितना हमारा सिलाई में जा रहा है उतना छोड़ दीजिए और यहाँ से लगाइए 11 इंची 10.5 इंची पर 10.5 इंची पर यहाँ से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बीच का सेंटर, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम उंगली से ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको एक बनाएंगे यहाँ पर टेकिंग। अब यहाँ से हम रखेंगे उंगली से ऐसे करके, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और एक निशान हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे, इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये देख सकते हैं कितना इजी और आसान तरीका से टेकिंग का लग गया। अब हम इसको लेंगे इधर से, देखिए 1.5 इंची को हम बीचों बीच रखेंगे यहाँ से और यहाँ से तो निकालेंगे और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे। इस वाले को हम 1/2 इंची आधा बनाएंगे, इस वाले टेकिंग को 1/2 इंच पर बनाएंगे। इस तरह से नाल लग गया है, देखिए बराबर लग गया है। तो इसको हम ये और देंगे बराबर करके। ये कटिंग सिर्फ आगे में ही किया जाता है क्योंकि इस तरह से नहीं पता बाद में सिल्वर वगैरह पड़ेगा तो जाएगा। देखिए इस कटर बाद इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोलने के बाद सीधा निशान लगाइए। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे। ऐसे करके निशान लगा दें, हल्का हल्का उग गया है। इस पर हम डार्क कर, ये देखिए अब यहाँ से हम खोलेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे आई तो यहाँ से खोल देंगे। ये देख सकते हैं जिस तरह से इसमें निशान लगा है इसी तरह से इसका भी निशान लगे। तो इसको हम यहाँ से हो गया। अब हम इसका बाजू का कैसे करते हैं और देखिए का बनोल नापना है, जितना आपको सिलाई में दबा होगा उतना छोड़ देंगे और वहां से हम यहाँ तक की तक नापेंगे। तो यह है हमारा 9.5 इंची 9.5 इंच का डबल होगा 19 इंची 19 इंच हमारा बाजू का बनाना होगा। तो इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ से सबको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे नीचे सिलाई या तुरपा के लिए, तो यहाँ पर 1 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस निशान पर यहाँ सिलाई कर दीजिए। अब हम इस बाजू का लाइन निकालेंगे। तो ये देखिए इसका बाजू का यहाँ से हम एक कपड़ा लगा देते हैं बड़ी बनाने के लिए। अब ये हम यहाँ से नापेंगे, तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है 7 इंची 7 इंची का हम बाजू लंबाई रख देंगे तो ये 7 इंची पर होगा। अब 7 इंची आ रहा है भी ठीक है। अब यहाँ हम ऐसे करके 3 इंच पर यहाँ लगाएंगे का से बनाएंगे। तो यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे पर यहाँ से गुलाई बनाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से इसको हम शेप में लेंगे। ये देखिए बाजू का कम हो जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ से ऐसे करके रखेंगे। ये पल्ले है तो इसको हम बराबर रखते हुए यहाँ इतना दबा देंगे ताकि हमारा सिलाई में दबाए। अब हम यहाँ से इसको नापेंगे,
तो यहाँ से हम इसको साढ़े नौ नापेंगे। तो देखिए साढ़े नौ इंच आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। अगर इतना नहीं जोएंगे तो हमारे बाजू में कम पड़ जाएगा। अगर हम लेंगे इसका सातवीं, तो यहाँ पर ले और इसको यहाँ जैसे बनाएंगे, देख सकते हैं इसी तरह से हम इसको ये चार पॉली को एक साथ रख देंगे और यहाँ से इसको हाफ इंची अंदर ही रख देंगे। इसको काटेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बाकी का हो गया हमारा सिलाई। तो इसको हम यहाँ से इसको रहने देंगे, बाद में हमको इसको चारों में जोड़ना है, दो पार्ट यहाँ दो यहाँ, तो चार पीस हमारा हो जाएगा। तो हमारा बाजू में झोलेगा या कम नहीं हो उससे जोड़ने से, तो से करेंगे। और यहाँ से हम हाफ इंची कटिंग कर देंगे, ये देखिए इस तरह। अब ये पार्ट है सो आगे पल्ले में आएगा, जो नहीं कर हुआ है वो पीछे। ये देखिए यहाँ से हो गया, ये हो गया हमारा से आगे, तो हम करके ये जो भी हमारा देखिए अंदर जाएगा पार्टी के। तो इस तरह से ब्लाउज का भी कम्प्लीट हुआ। इसको मेन फैब पर कैसे रखना और कैसे बनाना है इसको पहले जोड़ देना होगा, नहीं तो इधर हो जाए। ये देख मेन फैब को हम यहाँ पर लेंगे, अब इस्तेमाल करेगा। ये देखिए यहाँ पर है बाजा, तो इसको हम सीधा करेंगे, उल्टा रखेंगे नीचे, उल्टा रहेंगे रखेंगे नीचे। यहाँ से ये वाला जोड़ने के मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसको हम एक ही यहाँ से करके बाकी खोल करके यहाँ पर ऐसे कर बनाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ जोड़ा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ पर जोड़ दे, हाथ सुई लेंगे यहाँ ऐसे ऐसे चला देंगे, नहीं हम कट कर देंगे। और कटिंग करके हम इसको तीन पर भी जोड़ सकते हैं, पार्ट को लेना होगा यहाँ। ये देखिए एक यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए, तो भी हाफ इंच मोड़ में यहाँ पर के तब को और अटैच करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे आगे पीछे पल्ला, इसमें से कर बिछा देंगे, बिछाने के बाद हम फूल देंगे, गुलाब कटिंग करेंगे, कट करके निकाल देंगे, फिर जैसे फुल ग्लास है वैसे ही लेंगे इसको। इसका प्रेस वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।